आपके जीवन में 1 फरवरी से होने वाले हैं ये 5 बड़े बदलाव, देखें यहाँ पूरी जानकारी। 1 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र 2021-2022। 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है इस साल का बजट सत्र। सबसे खास बात यह है कि 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि आम बजट में कुछ बड़े बदलाव का ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें आम से लेकर खास सभी की जिंदगी पर असर डालने वाले फैसले हो सकते हैं। सैलरीड क्लास को टैक्स में छूट मिल सकती है, कारोबारियों को राहतों का ऐलान हो सकता है, कुछ चीजें महंगी और कुछ सामानों पर टैक्स घटाया जा सकता है, कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है सरकार, जिसमें फर्नीचर के कच्चा माल, तांबा, भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबड़ उत्पाद शामिल है, जिसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। तो अपनी नजर जमाए रखिएगा इस बजट सत्र पर। बजट सत्र से जुड़ी सभी जानकारी आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर पा सकते हैं। यूनियन बजट मोबाइल ऐप का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। बदलेंगे सिलेंडर के दाम। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती हैं। इस हिसाब से 1 फरवरी को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। बता दें कि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ATM से कैश निकालने में होगी मुश्किल। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, तो बता दें कि 1 फरवरी से PNB ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। PNB ने देश भर में बढ़ते ATM फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर आपका भी PNB में बैंक खाता है, तो ये आपके लिए काम की खबर है। 1 फरवरी से PNB ग्राहक और EMV ATM मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पा सकते हैं। बजट सत्र में सस्ते हो सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के दाम। 1 फरवरी 2021 को मोदी सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। माना जा रहा है कि सरकार कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसमें फर्नीचर का कच्चा माल, तांबा भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण, रबड़ उत्पाद, पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ बिना रंगी लकड़ियों और हार्ड बोर्ड आदि पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। देखना होगा कि ये कैसे होता है। विशेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार इस बारे में विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो सकती हैं बहाल। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फरवरी से 27 मार्च 2021 के दौरान त्रिची और सिंगापुर के बीच रोजाना फ्लाइट शुरू करेगी। रूट में और भी कनेक्शन होंगे, जैसे कुवैत से विजयवाड़ा, हैदराबाद, मैंगलोर, त्रिची, कोझिकोड, कुन्नूर और कोची आदि। इससे पहले भी एयर इंडिया एक्सप्रेस कई फ्लाइट्स का ऐलान कर चुकी है, जो कि जनवरी में शुरू हो चुकी हैं। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।